नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साइंस मैनिक और मैं हूं आदेश योगी। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है नेचर का एक बेहद प्यारा जीव। जी हाँ, ये है एक सांप जो बहुत तेज और चंचल है। मैं इसको पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमेशा की तरह आपको सांप का आइडेंटिफिकेशन बताया जा सके और आपको इसके गुणधर्म और जीवन शैली को समझाया जा सके और स्टूडेंट को ये बताया जा सके कि ये सांप जहरीला है या नहीं और कैसे इसकी पहचान की जाती है। तो वीडियो बेहद इन्फॉर्मेटिव और रोचक होने जा रहा है, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, काफ़ी देर से मैं इसको पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये भी अपने ताव में है और बड़ी ही तेजी से इधर उधर भाग रहा है। शायद ये खतरा महसूस कर रहा है। लो जी, मैंने इसको पकड़ लिया है। दोस्तों, वीडियो को देखकर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मैं तो जूलॉजी से MSc हूँ और सांपों के बारे में विशेष ट्रेनिंग ले चुका हूँ। दोस्तों, ये लगभग एक हाथ की हथेली जितना बेहद खूबसूरत सांप है। दोस्तों, इसका नाम है बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक। जी हाँ, इसे एम्फीजमा स्टॉल्टम के नाम से दुनिया जानती है। ये एशिया में पाए जाने वाली नॉन वेनमस सांप की एक प्रजाति है। आपको बता दें कि ये जीनस एम्फिजमा की एकमात्र प्रजाति है। ये आमतौर पर कम गुस्सैल होते हैं जो मेंढक और टॉड्स पर फीड करते हैं। ये सांप वाटर स्नेक और ग्रास स्नेक से क्लोजली रिलेटेड माने जाते हैं। इसे अमेरिका के गार्टर सांप का एशियाई वर्जन भी कहा जाता है। यह काफ़ी आम सांप है लेकिन बहुत कम ही देखने को मिलता है। देखिए, जैसे ही मैं इसके मुंह को जमीन पर रखता हूँ कितनी तेजी से ये चलने लगता है। दोस्तों, इस तरह के सांप आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक छोटा पतला सांप है। इसकी बॉडी पर धारीदार कील बैग यानी चकत्ते या स्पॉट पाए जाते हैं जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आमतौर पर ये कील बैग जैतूनी या भूरे रंग के होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो इनका सिर और शरीर एक ही रंग के होते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसकी पूंछ छोड़ दूंगा तो ये तेजी से भाग जाएगा और फिर कहीं जंगल में खो जाएगा और हम इसकी पूरी स्टडी नहीं कर पाएंगे। साथियों, बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक का शरीर छोटा होता है और इसके एक लंबी पतली पूंछ होती है जो इसकी लंबाई का लगभग एक चौथाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लंबाई के साथ साथ रीढ़ के किनारों पर दो पीली धारियाँ इस सांप की विशेष पहचान है। दोस्तों, इसको आप बच्चा मत समझ लेना। एक्चुअली ये सांप पूरा एडल्ट है लेकिन कुदरत ने इसको ऐसा ही बनाया है। आम लोग अक्सर जैसे सांप देखते हैं वैसे ही धारणा बना लेते हैं, इसलिए आपको हम दे रहे हैं वैज्ञानिक जानकारी ताकि आपके जीवन में कभी इस तरह के सांप से अगर आपका सामना हो तो आप समझ पाएं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों की और ऐसे प्यारे जीवों की रक्षा कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी बॉडी की ये धारियां सिर पर फैलती हैं और शरीर के दूसरे भाग पर विशेष रूप से चमकीली होती हैं और पूंछ की तरफ डेंस होती जाती हैं। ये आराम से यहाँ रेंग रहा है। अब शायद इसको ये एहसास हो चुका है कि किसी ने इसकी पूंछ को पीछे से पकड़ रखा है, फिर भी ये अपने मूवमेंट जारी रखता है। दोस्तों, आपको दिखा दें कि कील बैग में शरीर पर अनियमित काले रंग के क्रॉस बार होते हैं। सिर के पास क्रॉस बार बड़े और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जबकि सांप के दूसरे हाफ में वे फैल जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में सिर के किनारे पीले रंग के होते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, और एक विशिष्ट गर्दन बनाने के लिए सिर पर निशान होते हैं। दोस्तों, मैंने इसकी पूँछ को हल्के से पकड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। दोस्तों, ये फिलहाल भोजन की तलाश में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसका पेट पूरा भरा हुआ है। आपको बता दूं कि एडल्ट तो है लेकिन अभी जन्म करने के लायक ये नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रजनन काल के दौरान नेप यानी हिंड नेक लाल रंग की हो जाती है, थोड़ी और गले सफ़ेद या कभी कभी नारंगी रंग के होते हैं। दोस्तों, आप इसके हेड पर बड़ी बड़ी आंखें देख पा रहे होंगे जिनके पीछे काले ऊर्ध्वाधर निशान हैं। इनकी आंखों में आयरिस पर सुनहरी परत के साथ गोल पुतली होती है, बिल्कुल इंसानों के जैसी। जैसा कि आप जानते होंगे कि सांपों के आई विज़न ज़्यादा साफ नहीं होता, इसलिए आसपास के माहौल को समझने के लिए ये अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं।
अगर बात सांप की जाए तो इसकी जीभ कांटेदार और काले रंग की होती है। देखिए माना कि ये सांप जहरीला नहीं है, लेकिन भाई फटती तो सबकी है। देखो कैसे डंक मारने की एक नाजायज कोशिश इसने की है। देखिए अंडर साइड में ये पीला है और दोनों हाशिए के साथ साथ छोटे और काले धब्बे इसके शरीर पर बिखरे हुए हैं। डोर्सल सतह पर कील्ड स्केल होते हैं। वैसे आपको बता दें कि इसकी दो अलग अलग रंग की किस्में हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। एक होता है भूरे नीले रंग वाला, ये पीला और ग्रे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी किस्म को एरिथ्रोस्टिक्टस बोला जाता है, जो मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका रंग सिंदूर जैसा होता है। एक खास बात और है इस प्रजाति में, इंटर स्केल तभी दिखाई देते हैं जब सांप उत्तेजित होने पर खुद ही फुदकने लगता है। ये अभी थोड़ा परेशान तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन ये अभी उत्तेजित नहीं है। इस सांप की कुछ विशेषताओं की पहचान के लिए मैं इसके सिर का एक क्लोजअप दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरामैन साहब जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए इसका एक क्लोज शॉट। मेरे बच्चे इतनी चंचलता ठीक नहीं, थोड़ा शांत हो जाओ। हम आपको हानि नहीं पहुँचाने वाले क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे वाह, अब शायद ये मेरा दोस्त बन गया। देखो कैसे थोड़ा शांत होकर मेरी स्किन पर मूव कर रहा है। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, ऐसा कभी भी ना करें। बेशक आप ये जानते हो कि सांप जहरीला नहीं है, दोस्तों बॉडी पर 19-20 पंक्तियां जो बाहरी पंक्ति को छोड़कर दिखती हैं और पूरी तरह से चिकनी होती हैं। बफ स्ट्रिप्ड कील बैक कुल लंबाई में आमतौर पर 40-50 सेंटीमीटर यानी 15-20 इंच के होते हैं। दर्ज की गई अधिकतम लंबाई 90 सेंटीमीटर है। इनकी मादाएं पुरुष की तुलना में अधिक लंबी होती हैं, जो लगभग 2 फीट से ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। दोस्तों बफ्ड स्ट्रिप्ड कीलबैक पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका, फिलीपींस, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान और चीन तक ये सांप पाया जाता है। अगर बात भारत की जाए तो मुख्य रूप से ये उन इलाकों में ज़्यादा मिलता है जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 3000 फीट तक होती है। दोस्तों बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक पूरी दुनिया में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम कहना चाहेंगे ये मनुष्य की तरह ही प्रकृति में पाए जाने वाले नायाब जीव हैं, कृपया करके इन्हें कभी भी ना मारें। यह स्थलीय सांप है, साथ ही साथ ये पानी और तराई क्षेत्रों तथा पहाड़ियों में भी खूब पाया जाता है। अगर बात फीडिंग इकोलॉजी की जाए तो वयस्क स्टॉल्टम का प्राथमिक आहार मेंढक और टोड जैसे छोटे उभयचर हैं, लेकिन ये सांप मछली, केंचुआ, जोंक आदि का भी सेवन करने में परहेज नहीं करता। कीलबैक ओवीपैरस यानी अंडे देने वाले सांप होते हैं। एस्टिवेशन पीरियड के दौरान ये संभोग करते हैं। अप्रैल से अगस्त तक मादा गर्भ धारण कर लेती है और मई से सितंबर तक भूमिगत छिद्रों में अंडे देती है। सांप 5 से 10 सफ़ेद अंडे देता है। मादा अंडों के साथ तब तक रहती है जब तक वे हैच नहीं हो जाते। युवा सांप जन्म के समय लगभग 10 सेंटीमीटर होते हैं। बफ स्ट्रिप कीलबैक डाइयूर्नल यानी दिन में दिखाई देने वाले सांप हैं। हालांकि इनको ज़्यादातर ज़मीन पर देखा गया है, लेकिन आसानी से ये पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इसमें मेंढक और टोड को पकड़ने के लिए रियर टीथ यानी पीछे के नोकदार दांत होते हैं। बफ्ड स्ट्रिप्ड कीलबैक नॉनवेज और पूरी तरह से हानि रहित है। घबराहट होने पर यह शरीर को फुला लेते हैं, जिसमें चमकीले इंटर स्केल उजागर हो जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टडी किया है, ये सांप एक मामले में बहुत चालू है। मैं इसकी उसी चालबाजी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दूँ, कभी कभी सांप फड़फड़ाता है और अपने सिर को हुड बनाने की कोशिश करता है। यह व्यवहार कभी कभी लोगों में भ्रम पैदा करता है कि ये कहीं बेबी कोबरा तो नहीं है, मगर असल में ये उसकी झूठी कोशिश होती है ताकि भ्रम फैलाकर वो खुद को बचा सके। मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी एक्टिंग एक बार अगर ये कर दे तो मज़ा आ जाए। ये सांप गर्म मौसम के दौरान एस्टिवेशन में चला जाता है और गर्मियों के अंत में दिखाई देता है। बारिश के दौरान ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकलने लगते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस प्रकृति के प्यारे और नायाब जीव को प्रकृति में ही छोड़ देता हूँ और आपसे लेता हूँ विदा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सांप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें।